हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में पिछले 23 सालों से सेवा देने वाले कर्मचारी को सेवा से निकाला गया, जिसके चलते कर्मचारी की इस सदमे में मृत्यु हुई। मृतक परिजनों ने प्रशासक के खिलाफ तीव्र रोष व्यक्त किया। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में पिछले 23 साल से काम करने वाले अब्दुल कयूम मुमताज खान ट्रस्ट की ओर से कामकाज कर रहे हैं। 1925 से इस दरगाह परिसर में सैकड़ों कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं और इनकी तनख्वाह ट्रस्ट मार्फत दी जाती है। अब तक सरकारी कोई कानून लागू नहीं है। यदि किसी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी पूरी तनख्वाह ट्रस्ट देती है। पिछले 2 माह से यहाँ के कामकाज करने वाले 60 वर्ष उम्र के व्यक्ति को सेवा से निकाला जा रहा है। दरगाह के प्रशासक GM कुबड़े इन्होंने अब्दुल कयूम इनको भी सेवा से निकाल दिया। सेवा से निकाल देने का कारण 60 वर्ष से ऊपर की उम्र सीमा बताई गई है। मृतक ने लगातार अपनी 23 वर्षों से सेवा दी है, जिसके बदले उन्हें 7,000 पेमेंट भी दिया जाता था, लेकिन उन्हें काम से निकाल दिए जाने से मृतक अक्सर अब्दुल कयूम मुमताज खान अक्सर सदमे में दिखाई देते थे। उन्हें गहरा सदमा बैठने से आखिरकार उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। इस बारे में ट्रस्ट के तमाम कर्मियों ने इन बिसेन के साथ बातचीत करते हुए जानकारी दी। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में काम करने वाले एक ऐसे कर्मी की मौत हो गई, आखिरकार क्या ये मामला है, आइए जानना चाहेंगे। इस समय में शहजाद जी हमारे साथ में। शहजाद भाई, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे, पूरा संक्षिप्त पूरी जानकारी दीजिए। सर, इसका ऐसा है कि ताजाबाद ट्रस्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारी बाबा की सेवा भावना से काम करते हैं और बहुत 100 साल के करीब होते आ रहा है। 97 साल हो गए ताजुद्दीन बाबा को यहाँ पर, तो उस हिसाब से यहाँ पर सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा जो है वो एक बतौर खिदमत जैसा होती है उसी के हिसाब से मिलता है, 5,000-7,000। इसी तरह एक कर्मचारी हमारे और हमारे को गवर्नमेंट जो कोई कानून लागू नहीं है हमारे ऊपर, कुछ भी लागू नहीं है, PAF वगैरह कुछ भी, कोई छुट्टी गवर्नमेंट छुट्टी कुछ भी लागू नहीं है। लेकिन हमारा एक था कि हमारे को रिटायरमेंट भी नहीं है, हमारा मरते दम तक के हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद में अभी GM कुबड़े सर ने एक कानून लाया जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, हमको बताया भी नहीं गया उसके बारे में, और 3-4 लोगों को ऐसा नोटिस दिया कि भाई आप लोग 60 साल के हो गए हैं और आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। उनको हटा के, उनकी 7,000 रुपये पेमेंट थी, उनको हटा के उसके बाद में उसको टेम्पररी में 4,000 रुपये में रखा गया। कयूम भाई जो हमारा अभी जिनका इंतकाल हुआ है, अब्दुल कयूम नाम था उनका, डोनेशन काउंटर पर बैठते थे, बहुत एक्टिव आदमी, 80 ईयर्स के थे, लेकिन उनको चश्मा भी नहीं लगा था, बहुत अच्छे आदमी थे, यानी काम में उनके मतलब एक यंग स्टार जैसे थे। निकालने की क्या वजह थी? कोई वजह नहीं है सर उनका, सिर्फ बस 60 साल के हो गए करके उनको निकाला गया और उसके बाद में उनको 4,000 रुपये से रख लिया गया। उनकी एक मिसेस है जो अपंग है पैरों से, उनको पालने वाला कोई भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ताजाबाद ट्रस्ट से कि भाई उनके लिए कुछ सोचे, जो कुबड़े सर है उनकी भी कुछ सोचे, और भी जो कर्मचारी है, और जो हमारा चल रहा है जैसा चल रहा है हमारा, शुरू से हमारी कोई मांग नहीं है कि हमारे को ये मिला जाए या वो मिला जाए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को। हम जैसा सेवा कर रहे हैं आखिरी मरते दम तक कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं, बस आखिरी मरते दम तक इन लोग सेवा करना चाहते हैं। और इनका यह मानना था कि मृतक की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, उसके जो परिजन वाले, उनकी जो एक मैसेज जो है, जो दिव्यांग है, ऐसे में भी ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट और प्रशासक, इन्होंने उन्हें मदद करना चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का आलम तो पूरे भारतवर्ष में है। इनमें ये भी एक बात जुड़ सकती है, अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और ट्रस्ट और खासतौर पर प्रशासक अगर ध्यान दे तो ये बेरोजगारी का जो आलम है ये दूर हो सकता है और लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि नागपुर का बड़ा बाग ये वो बाबा जान की चौकट है जहां पे हर कोई जियारत करने आते रहते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़ नागपुर।